ये जो सोसाइटी की पार्किंग है उसी में उन्होंने अनलीगल स्कूल खोल के अपना कब्जा कर लिया है। हमारी यही विनती है कि हमारी वो पार्किंग आप नगर पालिका खाली करा के दें। हमारी पार्किंग खाली कराने के लिए हमने बहुत सारे नोटिस दिए पर कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। उल्टा हमको इतना तकलीफ हो गया है, हमारे खिलाफ हमने खाली कराने के लिए नगर पालिका और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे एप्लीकेशन डाले पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उल्टा उन्होंने हमारे नाम से पुलिस कंप्लेंट कर दिया था। यही टेंशन में हमारे पिताजी की देखिए पैरालिसिस अटैक आ गया। इतना तकलीफ होता है इनको रेगुलर चेकअप लेके जाने के लिए, यहाँ से उतारना नीचे हमको एम्बुलेंस तक नहीं आ सकता है अंदर, हम उनको कैसे उठा के लेके जा सकते हैं, हमको हमें मालूम है हमारी तकलीफ। उन्होंने जब से बोला पुलिस कंप्लेंट करता हूँ, यही टेंशन में सोच सोच के हमारे पिताजी का देखिए पैरालिसिस टेंशन में अटैक आ गया। बहुत परेशान है हम। स्कूल की वजह से बहुत तकलीफ हो गया। हमने मोर देन 20-25 साल से है, बहुत इतना तकलीफ उठाया, बहुत तकलीफ उठाया। वो बच्चों लोग सब ऊपर जाता है नीचे जाता था, आवाज़ इतना पड़ आता है। हम लोग हमारा उम्र हो गया 70 के ऊपर, मिसेज भी उम्र हो गया, दोनों तो बिल्कुल सोने के नहीं होता है, नीचे से इतना आवाज़ आते रहता है। टीचर लोग आवाज़ आता है, बच्चों लोग इधर उधर भागते रहता है, आवाज़ आता है। और वो गाड़ी वीड़ी सब आगे बिगे कार रोड पे लगा देता है। वो पेरेंट्स साहब भी गाड़ी लगा के रखता है साइड में, कोई अंदर आने की भी तकलीफ होता है, बाहर जाने की भी तकलीफ होता है। इतना तकलीफ होता है, बहुत कंप्लेंट किया, कोई सुनता नहीं, कुछ नहीं। कितना कॉर्पोरेशन भी बहुत कंप्लेंट किया, वो कॉर्पोरेशन वाला भी कुछ केयर नहीं करता है। वो लोग भी कुछ क्या कर रहा पता नहीं, वो लोग भी कुछ कैसे अलाउ कर रहा पता नहीं। वो स्कूल इतना छोटा से इतना बड़ा हो गया, लेकिन तकलीफ तो हमारा बहुत बढ़ते जाता है, कुछ कम नहीं हो रहा है। नीचे इतना पूरा पार्किंग एरिया पूरा वो लोग कवर करके रखा, कोई भी गाड़ी पार्किंग कर सकता। कल परसों एक लड़की इधर से जाते टाइम गिर गया, गाड़ी के जगह कम है, वो स्लिप होके गिर गया। इतना तकलीफ होता है, गाड़ी कोई पार्किंग किया तो चलना फिरना भी मुश्किल होता है। घर में पूरा इतना इंजर्ड हो गया, ये देखिए इतना इंजर्ड है हमें, फिर इतना सीख के चलने का भी तकलीफ होता है। दिवाळी सोसायटीमध्ये आमची पार्किंग जी आहे ती शाळेने ते इलिगली घेतलेली आहे, त्या आमच्या सगळ्या सभासदांना त्रास होतो आहे। आणि पार्किंगला आमच्या गाड्या सगळ्या रोडवर लावा लागतात, दुसरं लहान मुलं वगैरे जे आहेत त्या गाड्यावर चढून ते पडतील किंवा त्यांचा काय होईल ते त्यांची जबाबदारी नेत्यांनी घ्यायला पाहिजे। आणि शाळेचे जे नातेवाईक ते मुलांचे जे नातेवाईक आहेत ते सगळे सोसायटीमध्ये येऊन न्यूसन्स क्रिएट करतात आणि डास वगैरे भरपूर होतात, त्याच्याने म्हणजे डेंग्यूचा त्रास वगैरे व्हायची शक्यता असते। डेंग्यू म्हणा, मलेरिया म्हणा किंवा चिकनगुन्या अशा प्रकारचे रोग वगैरे होण्याची शक्यता असते। पोलीस तक्रार त्यांनी केली होती कारण ते नगरपालिकेने सांगितलं होती की त्याची वॉल पडणार होती, तर ते वॉल तुम्ही काढून घ्या असा परमिशन वगैरे मला मिळाली होती। त्यांनी त्याच्या बाबतीत पोलीस तक्रार पण केली आहे। सोसायटीचा आणि त्याचा शाळेचा काही संबंध नाही आहे, सोसायटीचा जो त्यांनी बनवली होती तोच चालवतो आहे, जो त्याचा चेअरमॅन आहे, सेक्रेटरी वगैरे आणि त्याचे घरचे लोक आहेत तोच चालवतो आहे। सोसायटीचे मेंबर वगैरे नाही आहेत, शाळा सोसायटीचे मेंबर वगैरे नाही आहे, सोसायटीच्या जागेमध्ये तो शाळा चालवतो आहे। 28 साल से इधर रहते और हमारे गाड़ी है सब बाहर है, हमारे बिल्डिंग का पूरा जो नुकसान हो गया है, तो कुछ अच्छा बनाने के बोला तो पार्किंग भी नहीं है, ऊपर चढ़ने को भी हमको लिफ्ट नहीं है, तो बिल्डिंग का थोड़ा पोजीशन ख़राब है। वो स्कूल की वजह से हमको कुछ भी करने को नहीं दे रहे, तो हमारे एज भी बढ़ के जा रहे, तो कुछ तो ये कुछ सब जगह पे भी कंप्लेन किया, उल्टा हमको ही सब जगह पे धमकी मिल रहे, तो प्लीज़ थोड़ा उसका कुछ आगे का कुछ करने का है, तो प्लीज़ थोड़ा कुछ करके दीजिए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है और सब जगह, लेकिन हम लोग को कुछ बोलने के लिए गया तो उल्टा अपने को ही सब मारामारी करने के लिए आते, तमगी देते, और वो भी नहीं है। हमारे बच्चे लोग भी उधर का जो कुछ सिचुएशन वगैरह देखे, और हमारे नीचे का पार्किंग का भी, वो स्कूल का बच्चे लोग इधर उधर आके गाड़ी का पीछे भी आके मीन्स बहुत कुछ नहीं देखने का चीज़ वगैरह तो ये भी करते इधर, इसलिए हम लोगों को वो भी नहीं देखने का है। ट्यूबलर का वगैरह तो भी देखने को जगह नहीं होते, क्योंकि उन लोगों का स्कूल का भी ट्यूबलर इधर वगैरह सब पार्किंग करने के लिए बच्चे लोग उसका ऊपर और सीढ़ी पे बैठ के, पहले अभी तो बंद हो गए, सब लोग चिल्लाने के बाद बंद किया है, और सीढ़ी से बैठ के सब लोग टिफिन वगैरह खाते थे, वो चपाती वगैरह सब, वो भी अपने को ही तकलीफ होता था, फिर वो बिल्ली आएगा ये आएगा, तो
प्लीज हमको कुछ सोल्यूशन दीजिए। पार्किंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हमें गाड़ी लगाने के लिए नहीं मिलता, निकालने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गाड़ी, और बहुत कचरा रहता है सीढ़ियों पे, पार्किंग में नीचे और पीछे भी बहुत ज़्यादा कचरा रहता है सोसाइटी के ऊपर। उल्टा ये एक्शन ले रहा है, धमकियाँ दे रहा है हमारे ऊपर, पुलिस भी बुला चुका है बहुत बार, 2-3 बार बुला चुका है पुलिस, बहुत हम तंग कर चुका है और हाथ भी उठा चुका है। कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे महाराष्ट्र में, हमारे इधर कुछ भी नहीं है, हम लोग ने इतनी बार कंप्लेंट की है पर एक्शन कोई नहीं ले रहा है इधर। कि भाई स्कूल के ऊपर हम रहते हैं सोसाइटी में, हमको स्कूल के वजह से बहुत प्रॉब्लम है, और पार्किंग लेके बैठा है, और ये स्कूल वाले ने वैभव नगर में भी स्कूल खोला है, हम बोलते हैं पार्किंग है इधर, यहाँ का स्कूल वहाँ लेके जाओ, और कचरे का बहुत प्रॉब्लम है सोसाइटी में, पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है, आवाज़ बहुत आते हैं बच्चे का, हमको नींद नहीं कुछ नहीं, गाना वगैरह बहुत चला के बैठते हैं, सुबह से 7 बजे से आके पूरा साउंड चला के बैठते हैं, रोड पे गाड़ी लगाते हैं, हमको पार्किंग लेके बैठा है, और हम जो भी कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट देके आते हैं तो कोई एक्शन लेने आ ही नहीं रहा है। कंप्लेंट करें तो किधर करें, हम तो कॉर्पोरेशन में भी बोल के आए, कोई सुनने वाले तैयारी नहीं है, क्या करें, बहुत परेशान हैं हम, बहुत परेशान हैं जब इसे बैठे हैं, फ्लैट ही छोड़ के किधर सोसाइटी छोड़ के चले जाएं, ऐसे लग रहा है जीने का मज़ा ही चला गया है, पूरा दिन आवाज़ ये वो गाड़ी का, बच्चों का गाना बजा के बैठे रहते हैं, और सुनते नहीं हैं, मेन तो बच्चे सुनते भी नहीं हैं, बोलो तो एक बोलो तो 10 सुना के जाते हैं बच्चे। वैसे पार्किंग होती है ना, इसने पार्किंग में स्कूल बना के बैठा है, वो सुनता ही नहीं है, स्कूल छूटता है आते जाते बच्चे तो जाने का रास्ता ही नहीं देते हैं, बहुत प्रॉब्लम है बहुत। या बाबत सिक्कीबाई धर्मानी या शाळेचे संचालक रूपचंद धर्मानी यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला, मात्र त्यांनी पुढारी वृत्तपत्राला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की सिक्कीबाई हाऊसिंग सोसायटीचे बांधकाम आम्ही केले, सोसायटीची रीतसर नोंदणी झाल्यानंतर पार्किंगची जागा वापरण्यास 12 सदनिकाधारकांनी यापूर्वीच ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे, शाळेसाठी सर्व त्या परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची सर्व ती जबाबदारी घेतली जात आहे, 40 वर्ष जुन्या या सोसायटी इमारतीचा पुनर्विकास केला जाणार आहे, त्यात शाळेला समावेश होऊ नये म्हणून त्याला आता सूडबुद्धीने विरोध केला जात आहे,